हेलो एलिवेंट कम्फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं यूटेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक अपना ये है कि दोस्तों मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो सवाल पूछा ये था कि सर वूफर और सब वूफर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि बहुत जने जो है वूफर सब वूफर को केवल एक मान रहे हैं। अगर भाई एक ही चीज़ होती है तो इसके नाम दो क्यों होते हैं, चीज़ अलग क्यों होती है? तो मैं आपको ये सारा डिफरेंस बताने वाला हूँ। डिफरेंस बहुत बड़ा है वूफर और सब वूफर के बीच में, तो वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट में शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ वूफर और स्पीकर में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि वूफर क्या काम करता है और दूसरी बात स्पीकर क्या काम करता है। दोस्तों पहले अपन वूफर की बात करते हैं। वूफर क्या काम करता है? वूफर का काम होता है एक तो स्पीकर के अंदर अच्छा खासा बेस बनाना, दूसरी बात स्पीकर के अंदर मिड यानी कि आवाज़ का भी काम वूफर को ही करना पड़ता है, और साथ में ट्रेबल भी, यानी कि ऐसा स्पीकर जो बेस भी निकाल देवे, ट्रेबल भी निकाल देवे, साथ में आवाज़ भी दे देवे, वो तो होता है वूफर। ये वूफर होता है। और दूसरा स्पीकर होता है। स्पीकर की बात अभी नहीं कर रहा, केवल वूफर और सब वूफर की बात हो रही है। तो वूफर का तो मैंने आपको समझा दिया वूफर होता क्या है। अब अपन बात करते हैं सब वूफर की। दोस्तों सब वूफर जो होता है वो ओनली और ओनली बेस निकालने का काम करता है। वूफर का मेरे पास एग्जांपल पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा वूफर किस टाइप का होता है, और सब वूफर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो सब वूफर होता है वो ओनली और ओनली बेस निकालता है। सब वूफर कम से कम आपको 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची की साइज़ से लेके 32 इंची तक के भी मिल जाएंगे, और वूफर जो है वो आपको शायद 3 या 4 इंची या आपको 6 इंची के आसपास से शुरू होते दिख जाएंगे। तो ये वूफर और सब वूफर का मेनली डिफरेंस होता है। अब अपन थोड़ी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं कि बिल्ड क्वालिटी में क्या जो है डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। तो पहली बात अपन करते हैं वूफर की। वूफर जो होता है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी किस टाइप की होती है वो मैं आपको एक बार एग्जांपल के रोल पर दिखा देता हूँ। मेरे पास एक स्पीकर रखा हुआ है। हाँ तो फ्रेंड, स्पीकर मैंने ये निकाल दिया है, ये देख सकते हैं मेरे पास ये रखा हुआ है फिलहाल के लिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो है ये वूफर स्पीकर है। तो ये वूफर स्पीकर कैसे है और क्या इसका जो सब सिस्टम है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देख सकते हैं, पहली बात आप अगर करेंगे तो ये स्पीकर का जो आप ये कौन जो है इसको देख सकते हैं, ये कौन आपको पेपर में अवेलेबल मिलेगा, और ये सॉफ्ट पेपर है, हार्ड पेपर नहीं है। पहली बात तो ये ठीक है, आपको मैं एक बार सही से दिखा देता हूँ। ये हो गई अपनी पहली बात। दूसरी बात, ये वूफर स्पीकर है, इससे इसके आपके जो ये कौन के ऊपर एक आपको ट्यूब जैसी नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये जो ट्यूब है ये आपको पतली यानी छोटी ही मिलेगी वूफर के अंदर। पहली बात आपको ये वूफर के अंदर छोटी मिलेगी, एक ये मिलेगा आपको पेपर कोन में, ठीक है। अब आपको मैं इसकी कुछ हाइट दिखा देता हूँ। ये वूफर होएगा लगभग, आप देख सकते हैं मैं कैसा आपको आइडिया दूँ, ये देख सकते हैं आप मेरी 3 या 4 अंगुलियों के साइज जितना ये वूफर आपका होएगा। ये 6 इंची का है, ठीक है, आप देख सकते हैं ढंग से। ये 6 इंची का स्पीकर है जिसकी केवल इतनी सी हाइट है। और अब आपको मैं मेनली जो डिफरेंस है वो कोयल का वो समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी कुछ इस टाइप की मिल जाएगी आपको वूफर के अंदर, जो बेस भी दे देगी, मिड भी निकाल देगी, साथ में आपको जो ट्रबल भी दे देगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस वूफर के अंदर एयर बिल्ट में क्या क्या लगता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो सिंगल मैग्नेट का ही है ये वूफर है। अराउंड मेरे को लग रहा है ये 120 से 100 RMS का स्पीकर होगा। अब अपन बात करते हैं कि जो स्पीकर है इसके वूफर के अंदर कोइल कौन सी जो है फिट की हुई है। तो कोइल की अपन बात करते हैं, कोइल इसके अंदर कौन सी फिट की हुई है मैं आपको समझा देता हूँ। कोइल इसके अंदर, कोइल के भी तरीके होते हैं। साइज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि भाई इतनी साइज़ की ये कोइल है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कितने राउंड की कोइल इसके अंदर लपेटी हुई है, मतलब कि कोइल में से राउंड लपेटते हैं। जैसे कि पहली कोइल की बात करते हैं, जो स्पीकर की कोइल्स होती है उसके अंदर 1 या 2 लेयर लपेटी हुई होती है। 2 लेयर ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ बड़े स्पीकर के लिए, बाकी 1 लेयर का ही होता है। जो वूफर या फिर स्पीकर होता है वो 1 लेयर का होता है, जिसके अंदर 2 जो राउंड लपेटे होते हैं वो जो होता है वो वूफर की कोइल के अंदर आता है। अधिकतर आपको 2 राउंड इसके अंदर मिल जाएंगे, यानी कि 2 लेयर लपेटी हुई मिल जाएगी, और किसी किसी में सिंगल में 1 लेयर भी आपको वूफर के अंदर मिल जाएगी। जो मैं आपको कुछ इस टाइप से समझ सकता हूँ, ये जो स्पीकर है इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इसकी गैप है इसके अंदर यहाँ पर कोइल लगती है, उसके अंदर जो है राउंड जो होते हैं, जैसे कि ये जो है ये शायद सिंगल कोयल की है इसके अंदर, मतलब सिंगल राउंड पे इसकी कोयल लपेटी हुई है। उसी टाइप से आपको 2 राउंड तक ये जो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, जो वूफर का काम भी करते हैं। अब बात करते हैं सब वूफर की। तो दोस्तों सब वूफर जो होता है उसकी जो मेनली साइज़ जो होती है वो जो ये जो हाइट होती है ये इससे लगभग डबल होती है। यानी कि आप देख सकते हैं अगर 6 इंच का सब वूफर है तो उसकी हाइट कुछ इतनी होगी, ये देख सकते हैं इतनी कुछ हाइट इसकी होगी अगर ये 6 इंच का सब वूफर है तो। सब वूफर के अंदर मेनली जो मैग्नेट होती है, इतनी सी मैग्नेट पे सब वूफर जो ऐसे अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको कुछ हाई पावर की यानी कि न्यूडेनियम मैग्नेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या फिर यहाँ पे आपको सिंगल की जगह 2 या 3 यानी डबल या ट्रिपल मैग्नेट भी देखने को मिल सकती है। ये सब वूफर के अंदर मेनली होता है। अब सब वूफर का मेन डिफरेंस तो मैंने आपको समझा दिया था, वूफर और सब वूफर में डिफरेंस कैसे है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। अब बात ये करते हैं सब वूफर जो होता है उसके अंदर कोइल कितने राउंड, मतलब राउंड की होती है, या फिर बोल सकते हैं कि कोइल कितनी लेयर की होती है।
तो इसके अंदर सबवूफर के अंदर आपकी जो कोयल होती है वो 4 लेयर की आपके अंदर देखने को मिलेगी। 4 लेयर से कम आपको नहीं मिलेगी और 4 लेयर से ज़्यादा भी बहुत कम ही मिलेगी, लेकिन 4 लेयर की कोयल ही होती है, इसलिए उसका केवल बेस निकालने का काम होता है। और सबवूफर की कोयल का साइज़ और वूफर की कोयल का साइज भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इसकी कैप है, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं आप इसकी जो कैप है, इस कैप के अंदर की जो कोयल है वो लगभग इतनी साइज़ की है, और ये 6 इंच का आपको देख सकते हैं वूफर है। और अगर आप सब वूफर की बात करेंगे, वहीं ये 6 इंच का सब वूफर होता तो इसकी कोयल की साइज़ कुछ लगभग आप देख सकते हैं इस कैप से भी थोड़ी सी ज़्यादा होती, और ये इतनी बड़ी इसकी कोयल होती जो कि केवल बेस निकालती। और दूसरी बात ये कि जैसे कि वूफर देख सकते हैं तो इसकी ट्यूब जो है इतनी छोटी है 6 इंच के ट्यूब में, अगर यही 6 इंच का वो सब वूफर होता तो उसकी ट्यूब कुछ इतनी मोटी होती। तो सब वूफर का काम मेनली बेस निकालना होता है, और वूफर का काम बेस, ट्रेबल, मिड तीनों आपको देना होता है। मेनली यही डिफरेंस इसके अंदर होता है। और मेन बिल्ट मैंने आपको समझा दिया कि मैग्नेट कैसे सेट होती है, और लेयर जो होती है कोयल की वो लेयर कैसे रहती है, और पेपर कॉन और वूफर कॉन में क्या क्या डिफरेंस रहता है, वो सारा भी आपको मैंने समझा दिया है। दोस्तों यही थी वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। हफ्ते भर में या फिर 3 या 4 दिन की गैप में अपनी एक एक वीडियो आती है। और आपको चाहते हैं आपकी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं, मैं हर जने का रिप्लाई देता हूँ। दोस्तों यही तब कुछ था वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जितने के लिए जय हिंद।